श्रावस्ती जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर का अधिग्रहण कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि निजी अस्पतालों को आवश्यकता अनुसार जब उनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी तब मुहैया करा दी जाएगी। आपको बता दें कि आज इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 12 ऑक्सीजन सिलेंडर जिले को भेजा गया है। ऑक्सीजन को लेकर चारों तरफ महामारी देखी जा रही है। कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त जरूरत है। इसको देखते हुए जिला अधिकारी ने निजी अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर का अधिग्रहण किया है। बारह सिलेंडर है जो भंगहा के बाद सोनवा में बनाया जा रहा है कोविड अस्पताल, वहाँ जा रहा है, लेकिन कहाँ से लाया गया है इसकी भी कंफर्म जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि निजी अस्पतालों से मंगाया गया है, जिला अधिकारी के निर्देश पर इसे मंगाया गया है और भंगहा के बजाय सोनवा भेजा जाएगा जहाँ पर कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। वहीं इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार कोविड टीकाकरण जारी है। आज भी भारी संख्या में लोग पहुँचे जिनको कोविड का टीका लगाया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें लोग अपनी सहभागिता निभाते हुए इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं और उन्हें कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना इलाके के कई लोगों ने पहुंचकर आज भी इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड की दूसरी खुराक लगवाई तो कई लोगों ने पहुंचकर पहली खुराक लगवाई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें जहां पर लोगों का जमावड़ा दिखाई पड़ा। वहीं इकोना इलाके में एक विवाहिता महिला परेशान है। उसने इकोना थाने पर पहुंचकर अपने पति, सास ससुर, जेठ आदि पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इकोना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र इकोना इलाके का मामला। सालिया कहाँ घर है? कैलाश। क्या दिक्कत है? मारत है, बहुत गरियावत है, 2 लाख रुपया मांगत है। कौन मारता है? आदमी, जीठ, ससुर, सभे। कितने साल पहले शादी हुई है? 4 साल। तो पहले नहीं परेशान करते थे? पहले समझ जी, अब ना ही सुधरे, ना ही सुधरा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। इतना खर्चा देना, पानी मारत है, घर वाल लपिया लपिया। खाली पति मारता है कि सास ससुर? पति, सास ससुर, जीठ, सभे मारत है। और मायका कहाँ है? मायका और सब मौजा समरीपुर। तो आज वहीं से आई हूँ शिकायत करने की? यहाँ से आई हूँ। मायके से आए, मार भगाई दी नहीं सभी। अब क्या मैं मांग रहे? दहेज मांग रहे हैं? अब दहेज मांगत। कितना? 2 लाख। इससे पहले भी थाने कभी शिकायत की है? ना ही करे। वहीं इकोना पुलिस ने 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आपको बता दें, थाना क्षेत्र इकोना इलाके के अभय पुरवा हजरिया निवासी राम मनोहर उर्फ भोंदू, संपत्ति पुत्र जानकी प्रसाद, लिद्दू उर्फ इतवार दास पुत्र वासदेव को इकोना पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण कराते हुए जेल भेजा। वहीं कोरोना कर्फ्यू को लेकर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने का मामला, जहां पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और आने जाने वालों से पुलिस पूछताछ करती नजर आई। इकोना समेत जिले के विभिन्न सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। जिला मुख्यालय भिनगा कलेक्ट्रेट के सामने की ये तस्वीर। वहीं इकोना ब्लॉक परिसर में आज भी कई लोगों ने पहुंचकर मतगणना पास बनवाया। जिन लोगों के कागजात नहीं पूरा हुए थे, आज भी उन्होंने पहुंचकर इकोना ब्लॉक परिसर में अपने कार्य को पूरा किया और मतगणना पास आदि प्राप्त किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना इलाके के ब्लॉक परिसर की ये तस्वीर। पंचायत चुनाव को लेकर कल इकोना इलाके के सत्याद्या आर्जन विद्यालय में मतगणना होनी है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी इकोना और खंड विकास अधिकारी ने सारी तैयारियों को पूरा कराया।
सत्यादा आदन विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं और सुबह सवेरे से ही यहां पर मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। आपको बता दें मतगणना में प्रतिभाग करने वाले सुबह सवेरे 6 बजे पहुंच जाएं, उनको उनके इंटीजन जांच की जाएगी, जिसके बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं कोरोना कर्फ्यू का निरीक्षण करने उपजिलाधिकारी इकौना ने इकौना के संजय पार्क और बेचू बाबा चौराहे पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान आने जाने वालों से सवालात किए गए, जिसके बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी गई। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 3 दिनों का कोरोना कर्फ्यू घोषित किया है, जिसको लेकर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं जरूरतमंद लोग सड़कों पर दिखाई पड़े। ऐसे लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद ही उन्हें जाने की इजाज़त दी गई। इकौना इलाके के संजय पार्क और इकौना बाईपास की ये तस्वीरें। वहीं मतगणना कार्य में लगे हुए पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों की बैठक श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में की गई, जहां पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कल पूरे जिले के सभी विकास खंडों में मतगणना का कार्य होगा, जिसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे ने किया। पंचायत चुनाव की मतगणना के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे द्वारा इकौना इलाके का भ्रमण कर बैरियर चेक पोस्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, तथा इकौना के मतगणना केंद्र व स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक इकौना सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। मतगणना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे द्वारा जो बताया गया वो भी सुनिए, उन्हीं की जुबानी। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर। श्रावस्ती में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो संपन्न हुआ था, उसमें कल 2 मई को प्रातः 8 बजे से काउंटिंग होनी है। ये जनपद के 5 विकास खंड है, उनके 5 जो विद्यालय निर्धारित किए गए हैं उन विद्यालयों में की जाएगी। उसके लिए सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। आज सुरक्षा में जो भी लगे हुए थे, अधिकारी लगे थे, कर्मचारी लगे थे, उनकी ब्रीफिंग पुलिस लाइन में की गई है और सबको निर्देशित किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और अपनी अपनी ड्यूटी, अपना अपना कर्तव्य कायदे से निभाएंगे। इसमें जो निर्देश दिए गए थे कि जो भी प्रत्याशी या एजेंट आएंगे उनकी विधिवत तलाशी होगी, कोई भी अपने साथ कोई आग्नेयास्त्र, पानी की बोतल, मोबाइल या अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु लेकर के काउंटिंग प्लेस के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। काउंटिंग प्लेस के अंदर प्रवेश करने के पहले ये FMDC सबकी विधिवत चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है, न्याय पंचायत वार जैसे जैसे काउंटिंग की जाएगी वैसे अनाउंस होता जाएगा और जिस न्याय पंचायत की काउंटिंग प्रारंभ हो रही होगी उसके एजेंट को या प्रत्याशी को उसी समय ही प्रवेश दिया जाएगा। पहले से ये नहीं कि सभी लोग इकट्ठा हों, तो इस प्रकार से एक व्यवस्थित ढंग से काउंटिंग कराने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं, सबकी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और इस काउंटिंग को हम लोग सक्सेस संपन्न कराएंगे।